अस्सलाम वालेकुम जी, ये मैंने फ्रॉक कट किया और आपसे शेयर किया। ये देख लें, 13 इंच इसकी, ये 23 इंच इसकी चौड़ाई और 13 इंच जो है ना इसकी लंबाई है। ये घेर है फ्रॉक का। और ये मैंने टॉप लिया पीस 2 अदद 9.5 इंच और चौड़ाई 20 इंच है। साढ़े 4 इंच शोल्डर और 4.5 इंच आर्म और चेस्ट 7.5 इंच और तिरछी कटिंग कर लेनी है। नीचे से कमर की शेप ज़्यादा है। अगर आप, मैंने इलास्टिक लगा लिया, आपने यूँ करना है कि क्योंकि बेबी की तो 6 इंच वो कमर होती है, तो आपने चुन डाल लेनी है इसके नीचे हिस्से को। अगर चुन डाल लेंगे तो इलास्टिक की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप इजी आप पहना सकते हैं। अब ये बाजू हैं, 16 इंच का चकोर लेके हाफ कट कर लें और जैसे ये रख के ऊपर टॉप कटिंग कर लें और इस तरफ बंद साइड हो, ये बंद साइड है, ये नीचे से हमने ओपन की है, नीचे बंद हाफ कट कर लिया। अब ये देखें, ये दोबारा चेक कर रही हूँ, 7.5 इंच चेस्ट है। ये देखें, ये साइड बंद है और कैसे लगेगी, ऐसे बाजू लगानी है हमने, सही है। ये ऐसे लगाएंगे। बस आज मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ बोलूं, बस मैंने थोड़ा सा और बताना है बस आपको, बाकी आप मेरी वीडियो देखते जाएं। आपकी अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखें, जिनकी ये अम्मी हयात है वो अपने वालदेन का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखें, और जिनके नहीं हैं वो अपने वालदेन की मगफरत के लिए पढ़ते रहा करें। तो आज बैठे बैठे मुझे मेरी माँ बहुत याद आई, तो फिर मैंने ना ये भी, ये एक शेर था मैंने गुनगुनाया, मैंने कहा प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आँचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ। और जिनकी माँ बाप जिंदा हैं उनके लिए वो बहुत उनका ख्याल रखें। अब ये ऊपर से मैं फोल्ड कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे जो नेक का फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ अपने इलास्टिक 16 इंच या 17 इंच का डाले, मैंने 17 इंच का डाला इलास्टिक। बाजू भी जुड़ गए और ये अब इधर इलास्टिक डालें, ये फोल्ड हो चुका है, इलास्टिक एंड पे डालूँगी मैं ये। ये मैं जो घेर है ना उस पर डबल लूज स्टिच कर रही हूँ, लूज स्टिचिंग, तो इससे मशीन से कर रही हूँ। आप अगर कमर जो मैंने 20 इंच रखी है ना, आप उस पर पहले चुन डाल लें, मैं तो यही कहती हूँ। अगर आप पहले चुन डाल लेंगे ना, मैंने बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं सी चुकी थी, तो आप पहले चुन डाल लें, फिर उसके साथ घेर जितनी कमर रखनी है ना आपने उतनी चुन डाल लेनी है, और फिर घेर जो है ना नीचे से चुन खींच के उसके बराबर करके उसके साथ जोड़ दें, सही है क्या, कैसा ख्याल है? ये आइडिया बहुत अच्छा है।
बहुत सख्त गर्मी है, बहुत सख्त गर्मी है, बच्चे नहा रहे हैं बार बार। बहुत गर्मी है। ये 10 इंच का इलास्टिक कमर पे मैंने फ्रॉक जोड़ लिया टॉप से, तो अब उसकी जो पेटी है उसके साथ मैं इसको जोड़ रही हूँ, ये इलास्टिक लगा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा खींच के लगाएं 10 इंच, क्योंकि वो उसका घेर भी वो भी 20 इंच है, तो ये 10 इंच है। ये थोड़ा लूज ही होता है, जबला टाइप का फ्रॉक है ना ये। ये कंप्लीट हो गया है, बाजू पे भी इलास्टिक लगाया है 8 इंच का, और माशाल्लाह ये 1.5 साल से 2 साल की बेबी को ज़रूर आएगा, और पेंट के साथ भी पहना सकते हैं आप। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, और आप अपने दोस्तों में और अजीज़ों में शेयर करें, और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन आमीन।